तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपके साथ मैं बातचीत करने जा रहा हूं एडवांस एक्सेल के कस्टम फॉर्मेटिंग और एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। हमने लास्ट क्लास में अमित जी आपके साथ बातचीत किया था कि किस तरह से कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाए, और साथ में हमने आपको एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया था। चलिए उसी आर्टिकल के उस पार्ट को हम समझते हैं, राइट सर? जी हमने लिंक आपको दिया था, आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया था। तो इसी आर्टिकल के सबसे पहला चैप्टर में देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और टेक्स्ट। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो और टेक्स्ट दिख रहा है आपको, क्या है? तो जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि आप यहाँ पे 1500 टाइप करते हैं, और इस 1500 के ऊपर राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में मैंने एम आर पी डाल दिया। ये आपका एम आर पी शो कर रहा है एम आर पी। आप कुछ जी वैल्यू चाहते हैं तो यहाँ जीरो कर देते। अब मान लीजिए -500 कर दिया, फिर भी आप देखेंगे कि माइनस एमआरपी 500 दिख रहा है। मैं चाहता हूँ जब माइनस हो तो कुछ और दिखे, डिस्काउंट दिखे। तो ये जो आपने दिया है ना, ये पहला पोजीशन पॉजिटिव के लिए होता है, सेमी कॉलन के डालने के बाद दूसरा पोजीशन ये आपका नेगेटिव का होता है। जैसे आप फॉर्मूला लगाते हैं उसके सिंटैक्स होते हैं ना, जी सेम उसी तरह से ये भी आपका परफॉर्म करता है, ठीक है? तो दूसरा पोजीशन ठीक हमारा क्या है? निगेटिव है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया DIS डिस्काउंट और यहाँ पे जीरो कर दिया। तो आप देखिए, एक मिनट, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज नहीं किए। हाँ, अब ओके कीजिए, MRP डिस्काउंट बन गया, बट इसे विजिबल है, एक्चुअल में आपका 500 ही है। फिर यहाँ पे अगेन सेमी कॉलन हम डालते हैं और यहाँ हम डाल देते हैं कि अगर जीरो हो तो फ्री, क्योंकि तो तीसरा पोजीशन होता है वो जीरो के लिए होता है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया फ्री। फिर सेमी कॉलन और हमने बोला कि चौथा पोजीशन टेक्स्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे हम लिख दिए कि डेटा एन ए। तो अगर इस वैल्यू में हम नंबर एंट्री करेंगे इन द पॉजिटिव, तो ये आपको एमआरपी और नंबर को शो करेगा। अगर इसके अंदर हम डालेंगे नेगेटिव तो डिस्काउंट एंड नंबर को शो करेगा, बट माइनस का सिंबल शो नहीं करेगा। माइनस सिंबल के लिए आपने माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर आप जीरो डालते हैं तो सिर्फ फ्री शो करेगा, और कोई टेक्स्ट डालते हैं, कोई एबीसीडी डालते हैं, तो फिर आपको डेटा एन ए को शो करेगा। ओके, जी डाउट इसमें? नहीं अब इसका बेनिफिट क्या है? तो चलिए एक छोटा सा हम बनाते हैं डेटा। मैंने अपने एडमिन जिन से बोला कि भाई बायोमेट्रिक डेटा दे दो, तो उसने मुझे कुछ इस तरह से डेटा दे दिया जून का, और यहाँ पे उसने क्या किया, 0 to 9 दे दिया। बेसिकली किसने बायोमेट्रिक को कितना बार यूज किया है ना, उसका रिकॉर्ड उसने मुझे दे दिया। जैसे एक्सेस कार्ड होता है ना, आप या बायोमेट्रिक थंब इंस्पेक्शन होता है, आप जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, डोर ओपन हो जाता है। तो इसने बताया कि पूजा ने 1 जून को अपना एक्सेस कार्ड या अपना थंब यूज ही नहीं किया। 2 जून को 6 बार यूज किया है, मतलब कि बार बार अंदर बाहर की है। 3 जून को 9 बार गया है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिर 16 जून को वो नहीं, जीरो था, मतलब कि नहीं किया। तो कहने के मतलब उसने जिसने एक्सेस कार्ड को यूज किया, इट मीन्स वो ऑफिस आई थी, एक बार भी यूज किया, इसके मतलब कि वो ऑफिस आई थी। अगर किसी ने एक्सेस कार्ड बिल्कुल यूज नहीं किया, इसका मतलब है कि वो ऑफिस नहीं आएगी। अब एचआर टीम मुझसे डेटा मांग रही है अपने रिकंसलेशन के लिए, ताकि जो टीम ने अटेंडेंस दिया है और जो
मैं दे रहा हूं मैथमेटिक अटेंडेंस, उससे मैच कर ले, और जिस दिन जीरो है और वहां पे प्रेजेंट है तो एक्सप्लेनेशन पूछे कि भाई इस दिन तो आपका एक्सेस पंच ही नहीं है, तो फिर आप आए थे कि नहीं आए थे? अब आए थे तो उसका क्लिफिकेशन दीजिए कि आपने एक्सेस पंच क्यों नहीं किया, समझे? जी तो इसको अब मुझे क्या करना है कि जो जीरो है उसको प्रेजेंट में करना है, और जो नंबर्स हैं उसको अब्सेंट में करना है। नहीं, जीरो को अब्सेंट और नंबर को प्रेजेंट करना है। तो सेम जो तरीक मैंने अभी सीट वन पे शो किया, यहाँ पे शो करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा में अगर मैं करेक्टर लिख दूं और जीरो हैश ना दूं तो आपका वो करेक्टर शो नहीं होता है, नंबर शो नहीं होता, सिर्फ करेक्टर शो होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैंने पहला दिया पी, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स में डाल दिया। दूसरा आता है नेगेटिव नंबर, पर मेरे डेटा में तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं ब्लैंक शो कर देता हूँ और फिर एक और सेमीकोलन डाल के यहाँ पे ए कर देता हूँ फॉर द जीरो। तो यहाँ पे चारों के चारों डालना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से जो डालना चाहे डाल सकते, लेकिन सिक्वेंस को फॉलो करते हुए। अब मुझे टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट नहीं है डेटा में, तो हमने इसको छोड़ दिया और सीक्वेंस को फॉलो किया। समझ गए? तो चीज ये जो आप देख पा रहे हैं जस्ट विजुअल प्रिंट आउट पर्पस से है, एक्चुअल में ये सेवन ही है। आप सोचे कि कहीं पे पी है और इन दोनों को हम वी लुकअप कर लें या इफ लगा दें तो ए नहीं होगा, ठीक है? ओके, अब आर्टिकल में वापस जाते हैं। तो आर्टिकल में एक चीज बताया गया है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने कलर भी दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा ए है एब्सेंट है ना वो रेड हो जाए। तो एब्सेंट से पहले सेमी कोलन के बाद बड़ी ब्रैकेट में आप यहाँ पे रेड कलर डाल दीजिए एंड ओके। दिख गया आपको रेड, समझे? जी इस तरह से रेड कलर कर सकते हैं, ठीक है सर? जी उसके अलावा बाकी चीज तो नॉर्मल है, मैंने बताया ये सारे स्पेशल करेक्टर्स हैं जिसको विदाउट इन्वर्टर को आप डाल सकते हैं। आपका एट द रेट टेक्स्ट के लिए होता है, जैसे अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ और नेम में मैं यहाँ पे एम स्लैश एस और फिर नाम लिख रहा हूँ, तो बार बार एम स्लैश लिखना पड़ रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ पे कर्सर दें और यहाँ पे एम स्लैश एस और फिर यहाँ पे एट द रेट दें। तो जो भी करेक्टर लिखेंगे, भी क्योंकि जीरो और हैश नंबर्स के लिए होता है, एट द रेट जो होता है टेक्स्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं आईपीटी डालता हूँ, देखिए आप ऐसे मुझे एड्रेस है तो मेरा एड्रेस का लास्ट जो है सब सेम होता है, हर बार डालना पड़ता है। आप यहाँ पे एड्रेस के लिए भी कर सकते हैं। तो एड्रेस टेक्स्ट के बाद आता है, तो एट द रेट इन्वर्टर कुमार में न्यू दिल्ली 11006 2। अब यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया S201, एंटर मारिए, आ गया आपका सर, ठीक है? उस तरह से मान लीजिए कि कुछ अमाउंट वगैरह मैं लिख रहा, सिंगल कोड में 1500 लिख दिया, और बाकी जो जगह बचा है उस पर मैं चाहता हूँ कि इस पे ए लग जाए, स्टार लग जाए, तो डबल स्टार डालूंगा, नहीं सॉरी डबल स्टार नहीं, एट द रेट स्टार, क्या डालेंगे? एट द रेट स्टार और फिर एक और स्टार। क्लियर है सर? लास्ट में जो हमने स्टार डाला उसके जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो, बट मैंने स्टार डाला, उससे क्या हुआ कि जितना एरिया बचा हुआ है ना उतने एरिया पे उसने स्टार लगा दिया। अब जैसे मान लीजिए मैं पासवर्ड यहाँ डाल रहा हूँ, पासवर्ड, और मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड लिखूं, जैसे मैं 1254 लिख दिया, ये नंबर दिख रहा है ना दिखे, स्टार में बदल जाए, जैसे एटीएम वगैरह में होता है ना,
तो यहां पे कुछ नहीं करना है, दो बार स्टार डाल दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, जो भी नंबर डालेंगे वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल में भी तो हो जाएगा ना सर? नहीं, स्टार मतलब हुआ, नहीं समझे, स्टार के मतलब हुआ आप जैसे कुछ ढूंढते हैं ना, फोल्डर ही ढूंढते हैं, स्टैक क्यों हो जाता, लाइक कमांड रहता है, स्टार डॉट एक्सेलेस, इसका मतलब समझे कि भाई फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सेलेस, लास्ट में डॉट एक्सेलेस होना चाहिए, उससे पहले नाम कुछ भी हो सकता है, स्टार डॉट स्टार किया आपने कभी, इसका मतलब हुआ एनी फाइल जिसमें डॉट लगा है, मैं डॉट से पहले भी कुछ हो सकता है और डॉट के बाद भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये सेम फीचर यहां पे आता है आप कि डॉट तो लगाना ही है, डॉट तो लगाना ही है, सॉरी सॉरी स्टार लगाना ही है, स्टार के बाद क्या चाहते हो, मैं चाहता हूं कि पासवर्ड की जगह पे हैश हो जाए, तो हैश कर दीजिए, हैश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका डेसिमल वगैरह ये सब चीजें तो मैं बता ही था, थाउजेंड सेपरेटर वगैरह बता ही दिया था मैंने आपको, कलर। अब देखिए क्या है ना कि आप जो है ना कंडीशनल कलर भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि इस कॉलन में ग्रेटर देन 100 ब्लू हो जाए और लेस देन 100 रेड हो जाए, कि 100 से छोटा रेड होगा और 100 से बड़ा ब्लू होगा, अब इसके जगह पे आप कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, सिक्स थ्री ने नहीं लिया, ठीक है कुछ करवा, तो आगे स्पेस लगा, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि इसमें और कलर हो और कंडीशंस हो, सेटिंग हो, तो उसके लिए अगला टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये चीज आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि अगर आपको एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी चीजें नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। डेट के लिए मैंने बता ही दिया था, DDMMYY आप यहाँ यूज कर सकते हैं, बट टाइम में थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे कि यहाँ पे एच आपने लगाया होगा, राइट, एच कब लगाते हैं, जैसे मैंने 45 घंटे 20 मिनट और 30 सेकेंड डाल दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे आवर का फॉर्मा लगाता हूँ आवर्स चेक करने के लिए, तो आपका 21 हो रहा है, क्योंकि एक्सेल में आफ्टर 24 वन डे हो जाता है, तो आप देखेंगे इसका फॉर्मेटिंग 1.88 आ रहा है, तो आवर कभी भी 24 आवर से ज्यादा नहीं निकलेगा। इस केस में हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में आवर तो लिखते हैं लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के, अब जो है पूरा 45 अलग, अगर मैं स्क्वायर एच इसके जगह पे स्क्वायर में अगर एम कर देता हूं तो अब 45 घंटे 20 मिनट नहीं, 45 घंटे 20 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करके 2720 मिनट आ जाएगा, अगर मैंने इसको सेकेंड कर दिया तो 27 कुछ 16,000 समथिंग सेकेंड आ जाएगा, मतलब 1,63,000, ठीक है। ये चीजें यहां भी दिया गया है, सो दिस इज द कस्टम फॉर्मेटिंग, और कस्टम फॉर्मेटिंग आपका कंप्लीट हो गया, और कस्टम फॉर्मेटिंग कंप्लीट हुआ है तो कुछ टास्क भी मिलना चाहिए, तो आपका टास्क है एक पासवर्ड वाला। अभी क्या है कि मैं कोई भी पासवर्ड देता हूं तो हैश हो जाता है, लेकिन पासवर्ड अल्फाबेट हो गया तो नहीं शो करेगा, अल्फाबेट विथ नंबर हुआ तो नहीं शो करेगा, ठीक है, सिर्फ ठीक है नंबर में सर। पासवर्ड डाला है तो शो करेगा। अब आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना है कि कस्टम फॉर्मेटिंग में यहाँ किस तरह का कोड अप्लाई करे ताकि नंबर करेक्टर दोनों में वर्क करे,